झांसी में जुम्मे की नमाज को लेकर आज पुलिस प्रशासन ने महानगर की मस्जिदों पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए। प्रत्येक मस्जिद पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ऐतिहासिक मकरजी मस्जिद गोविंद चौराहे पर नगर के क्षेत्र अधिकारी तथा नगर मजिस्ट्रेट नमाज के दौरान भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। आने वाली ईद के त्यौहार के पहले पड़ने वाले जुम्मे पर भारी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। देखिए, जनपद में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब पर पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है, साथ साथ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर फोर्स डिप्लॉय की गई है। हम डीएम साहब, डीआईजी सर और कमिश्नर सर क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, पैदल गश्त कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्व में जितने भी धार्मिक गुरु थे उन सब के साथ वार्ता हो गई है। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि किस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो निश्चित रूप से जनपद झांसी में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कमर कसे हुए है कि शांतिपूर्वक जो नमाज है वो भी संपन्न होगी, जितने भी अन्य कार्यक्रम हैं वो सकुशल संपन्न होंगे। देखिए, कहीं पर अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से किसी न किसी क्षेत्र में पड़ता है। उसको लेके हमने व्यापक तैयारियां की हैं, एक और लोगों के साथ वार्ता करी है, लोगों को मैसेज भी क्लियर किया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी बात हो तो हम लोगों तक पहुँचाएँ, हम लोग उसके निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही साथ आपात स्थिति निपटने के लिए जनपद में लगभग 700 पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के साथ कल आंतरिक सुरक्षा योजना का अभ्यास भी कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से जो सावधानियां वो बरती गई हैं, लेकिन फिर भी झांसी की आम जनता का हमें सहयोग मिला है और अभी तक शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है। आज सुबह की नमाज को लेकर क्या तैयारियां हैं? अब देखिए, आप देख रहे हैं कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर भ्रमणशील हैं और हम लोगों ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूर्व में वार्ता भी की, मीटिंग भी की। अभी तक शांति का माहौल है और हमें आशा है कि शांतिपूर्वक ही चला जाए। जिस तरीके से कानपुर में समस्या सामने आई उसको देखते हुए क्या अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई यहाँ पर? आप देख रहे हैं कि समस्त पुलिस बल और समस्त हमारे मजिस्ट्रेट जनपद के 5 तहसील हैं, 5 तहसील में ड्यूटी लगी हुई है, सब लोग भ्रमणशील हैं और हमने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन एट द सेम टाइम आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। आपने देखा कि कल भी हम लोग रोड पर थे और दंगा नियंत्रण संबंधी जितने भी उपकरण हैं सबकी प्रैक्टिस कर ली गई है। सब जो लोग अभी पहने नहीं हैं गाड़ी में हैं, अन्यथा लोग पहने हुए हैं, रेडी हैं। हम लोग किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी आशा है कि सब कुछ जैसे शांति से चल रहा है वैसे ही शांति से चलना चाहिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.